नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी में और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल यूट्यूब चैनल। मैं आपके बीच में हरियाणा ड्राइविंग स्कूल संचालक राजकुमार आज आपको एक इस तरह की वीडियो बना के दे रहा हूं कि जिसे आप देखेंगे, सुनेंगे और तुरंत शेयर करने से नहीं रोक पाओगे अपने आप को। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। आज हर ड्राइवर की समस्या होती है, चाहे वो कार चला रहा है, चाहे ट्रक चला रहा है, चाहे बाइक चला रहा है, हर ड्राइवर की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि शहर में जाम लग जाता है। दोस्तों, आज आपको उस जाम से निजात पाने के उपाय बता रहा हूं। आपने ये वीडियो अंत तक सुनी तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कभी जाम लगने वाला नहीं है, लेकिन एक शर्त होगी, सबने मिलकर वो उपाय करना है। ठीक है, चलिए, हमारा कभी जाम ही ना लगे रोड पे, इसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, जाम लगने के दो तरीके होते हैं। एक तो एक्सीडेंट हो जाता है तो जाम लगने की नौबत आ जाती है। हम अपने व्हीकल को साइड में नहीं लगाते, वहीं की वहीं गाड़ी रोक के देखते हैं किसका एक्सीडेंट होगा। भाई कौन था भाई, हमारा कोई जानकार तो नहीं है। फिर आप सोच लेते हो, नहीं यार ये तो बहुत दूर का है, हमारा जानकार नहीं है। फिर आप वहां से चले भी जाते हो। ऐसा नहीं करना है, आपने अपनी गाड़ी को पहले साइड लगाना है, उसके बाद उसकी मदद करनी है। ठीक है, पहला जाम तो ये लगता है। दूसरा जाम लगता है रेलवे फाटक पे, लगता है ना। उस जाम से निजात पाने के लिए आप कम से कम सामने वाली गाड़ी से अपनी गाड़ी को 10 फीट पीछे रखें और लाइन में गाड़ियां खड़ी करें। जब फाटक बंद हो जाता है रेलवे, तो हम लोग पता क्या करते हैं, आप भी करते हैं, बाइक वाले भाई भी करते हैं, कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो राइट टर्न मारा आउटसाइड जाके और रेलवे फाटक के साथ यूं लगा लेते हैं गाड़ियां, लगा लेते हैं ना। इस तरफ भी यही हाल है, फाटक के परली तरफ भी यही हाल है। जैसे ही फाटक खुला तो दोस्तों होता क्या है, सारे एक साथ, सामने वाले व्हीकल भी, इधर वाले व्हीकल भी, सारे एक साथ और रेलवे ट्रैक पे जाम हो जाते हैं। बहुत खतरनाक जाम लगता है दोस्तों, लगता है ना। तो आज के बाद आपने वो जाम नहीं लगाना, उसके सूत्र दे रहा हूं मैं। जब भी फाटक बंद है तो आपने सामने जितने भी ड्राइवर भाई हैं सबने अपनी गाड़ियां लाइन में अपनी साइड में खड़ी करनी है, समझ गए ना। और 10-10 फीट का गैप भी बनाना है, क्योंकि कई बार फाटक चढ़ाई पे हो और गाड़ियां एक के साथ सटा के आप लोग खड़ी कर देते हैं, जब चलने में दिक्कत आती है वो गाड़ी पीछे लुढ़केगी, एक फीट चलाने की कोशिश करोगे तो एक्सीडेंट का डर होता है। तो पहले तो एक प्रण लें कि 10 फीट तक अगला व्हीकल होना चाहिए, बीच में 10 फीट का गैप हो, उसके बाद गाड़ियां साइड में हो, कोई भी गलत गाड़ी चला के आगे ना लेके जाएगा। ठीक है, फिर होगा क्या, रेलवे फाटक खुला, 2 मिनट में चाहे आपके 100 व्हीकल इधर खड़े हैं, 100 उधर खड़े हैं, 2 मिनट में वो जाम खुल जाता है, पता भी नहीं लगेगा। और आपने जबरदस्ती गाड़ियां खड़ी करी आउटसाइड से ला ला के, तो घंटों लग जाता है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि ट्रेन दोबारा आ रही है, फाटक फिर बंद हो गया, होता है ना। तो आज के बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जाम ना लगने दें, ट्रैफिक के नियमों के अनुसार अपनी ड्राइविंग करें। दोस्तों, जाम लगने के बाद आप भी लेट, हम भी लेट, अगला भी लेट, और होता क्या है, इससे लेट ही होते चले जाते हैं ना, तो आप सही अपने प्रोग्राम पे जहां अपना गंतव्य है वहां पहुंच पाते हैं। जल्दी नहीं करनी है, गाड़ी को लाइन में खड़ी करेंगे, सामने वाली भी व्हीकल ऐसे ही, हम भी ऐसे ही है। तो मान लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका जाम कभी भी नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगती है, सारे व्हीकल क्रॉस कर जाएंगे, है ना।
यहां एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। हमने देख लिया वहां फाटक पे पुलिस वाला खड़ा है, डंडा लेके खड़ा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी साइड में लगा लेते हैं उस डंडे को देख के। ऐसा नहीं करना आज के बाद, पुलिस वालों की आप हेल्प कीजिए रोड पे, वो आपकी करे। क्या जरूरत है हम डंडे के डर से साइड में लगाए अपने व्हीकल को? नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं लगाना है। हमने ट्रैफिक के नियम खुद पता है कि हम साइड में गाड़ी खड़ी करेंगे तो जाम नहीं लगेगा, अचानक खुल जाएगा, ठीक कह रहे हो ना? तो आज के बाद बिल्कुल दिमाग में ठान लो कि हमने जाम नहीं लगने देना है, ठीक है? ओके, धन्यवाद। एक बात जरूर बताऊंगा आपको कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।